हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो 40 क्वेश्चन पिछले सेशन में जो है हम कवर किए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के। आप PSC प्री के लिए तैयारी कर रहे हों, प्री के साथ आप जो है मेन्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम में हॉस्टल मॉडर्न प्रयोगशाला हर एक एग्जाम में जो है काम आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस हॉस्टल मॉडर्न प्रयोगशाला सभी एग्जाम के लिए लगभग काम आएगा। ठीक है, आपके जो है मेंस लेवल तक के जो है कंटेंट को, क्वेश्चन को हम तैयार किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए आज के हम 41 क्वेश्चन स्टार्ट करते। तो क्वेश्चन है आज का हमारा सोनहा बिहान। ठीक है, सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? मणिराम साहू जी, रामचंद्र देशमुख जी, देवदास बंजारी जी, दाऊ महाशय चंद्राकर जी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सोनहा बिहान इसके जो संस्थापक कौन है? दाऊ सी जो मंदरार जी। ठीक है, दाऊ सी जो चंद्राकर, इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो सोनहा बिहान जो है प्रमुख लोक संस्था है। ठीक है, फोक इंस्टीट्यूट है हमारे छत्तीसगढ़ की। तो इसके जो है दाऊ महाशय चंद्राकर इस जो है इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक है। किसके? दाऊ महाशय चंद्राकर, सोनहा बिहान के। ठीक है, रामचंद्र देशमुख कौन है? तो रामचंद्र देशमुख चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के जो है संस्थापक है। ठीक है, और सोनहा बिहान के कई बार आपके जो व्यापम वगैरह में पूछा गया, नया थिएटर जिसको हिंदुस्तान थिएटर बोलते हैं, पद्मभूषण से नवाजे गए हबीब तनवीर जो है नया थिएटर के जो है संस्थापक है। ठीक है, तो ये सभी को याद रखिएगा। चिन्हारी नाचा पार्टी ये जो ममता चंद्राकर जी की पार्टी है। ठीक है, मटेवा नाचा पार्टी जो है नाइक दास झुमुक दास की पार्टी है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। और इसे जो है आपका देवदास बंजारी कौन है जी? तो देवदास बंजारी स्वर्गीय देवदास बंजारे, ठीक है, ये पंथी नृत्य के जो जाने माने जो है कलाकार हैं। ठीक है, तो ये सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की कौन से विवाह में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है? छुट्टा विवाह में, चढ़ विवाह में, कैना विवाह में या ढेढ़ा विवाह में? तो ये एक तरह का जो छुट्टा विवाह होता है इसमें जो है विवाह में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं, मतलब जो इसमें जो है दहेज यहाँ पे बिल्कुल नहीं के समान इसमें लिया जाता है, मतलब प्रतिबंध समझ सकते हैं। ठीक है, तो छुट्टा विवाह एक तरह का जो है जनजातियों का विवाह होता है, इसमें दहेज प्रथा जो है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें जो है नहीं ली जाती है कहने, खास करके छत्तीसगढ़ की जनजातियों में जो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बस्तर का जो घड़वा कला किससे संबंधित है? धातु मूर्ति कला के लिए, मिट्टी कला के लिए, सौगन स्तंभ लेख के लिए या काष्ठ मूर्ति कला के लिए? तो बस्तर का जो घड़वा कला कल भी इसके बारे में बताया था, छत्तीसगढ़ के जो घड़वा कला जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है धातु मूर्ति कला। ठीक है, तो बस्तर का जो घड़वा कला धातु मूर्ति कला के लिए जो बहुत ही बेस्ट है। कभी भी जाइएगा बस्तर तो वहाँ के देखेंगे कलाकारी तो आपको इतना मन प्रसन्न कर देगा मत पूछिए। ठीक है, बहुत उनके हाथों में वो जो बहुत कलाकारी है। ठीक है, जो है तो धातु मूर्ति कला के लिए जो है जानी जाती है बस्तर का जो घड़वा कला है। ठीक है, और बस्तर जो है एक धातु मूर्ति कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे जो है भारत भर में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपका जो है घड़वा शिल्प जो है घड़वा शिल्प कला, ठीक है, बस्तर कोंडा गांव में ये आपका जो है प्रसिद्ध है। ठीक है जी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपका ढोकला कला प्रसिद्ध है, काष्ठ कला जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो काष्ठ कला के लिए जो है शिल्प केंद्र जसपुर रायगढ़ में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में बैना गीत किस समय इसको जो है गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, तंत्र साधना में, नागपंचमी में या होली के समय? ठीक है, बैना गीत सुने होंगे, गाँव अगर हम देखे होंगे तो ये तंत्र मंत्र साधना से संबंधित। ठीक है, तो बैना गीत जो है तंत्र साधना में जो इसको जो है इस गीत को जो है गाया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे गाँव अगर, और ये छत्तीसगढ़ की जनजातियों में देखने को मिलती है और तंत्र मंत्र से संबंधित है बैना गीत। ठीक है, तो नागपंचमी आप जानते हैं। ठीक है, नाग सर्प की इसमें जो पूजा की जाती है, होली तो आप जानते हैं। ठीक है, ये तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति बंदूक से शिकार करना गलत जो है कार्य मानती है? पारधी जनजाति, नगेशिया जनजाति, अगरिया जनजाति या खारिया जनजाति? इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारधी जनजाति। पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है? तभी सरगुजा, रायगढ़, कोरबा तीन जिलों में खास करके निवास करते हैं ये जनजाति। अपने जो है जीव को पार्जन के लिए, मतलब जीवन में यापन करने के लिए जो है काले पक्षियों का जो है आखेट करते हैं। कौन सी जनजाति? पारधी जनजाति। पारधी जनजाति को ये अपने आप को जो है नाहर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रख रहे हैं।
यहाँ पे आप में अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति भी बहुत बार आपके जो पीएससी वगैरह में आया हो, एसीएफ व्यापम वगैरह में, ठीक है। तो अगरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में जो कहाँ निवास करते हैं, तो आपका जो है अगरिया जो मैकल श्रेणी के जो है कवर्धा वगैरह क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। इन लोग लोहे गलाने, ठीक है, लोहे गलाने का जो है इन लोग काम करते हैं। विशेष करके जो है उड़द दाल का विशेष इसमें जो है महत्व होता है। कौन सी जनजाति में? अगरिया जनजाति में, ठीक है। आप जो इनके मेहमान वगैरह जाते हैं तो इन लोग जो है खाना इसी में जो है इसी दाल वगैरह से यहाँ पे जो है उड़द दाल का खिलाते हैं, ठीक है। मतलब ये तुरंत अतिथि का जो है इससे स्वागत किया जाता है कहने का मतलब, ठीक है। इसको आपको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर नगेशिया जनजाति, नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती? तो नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ में आपके रायगढ़, सरगुजा, ठीक है, इन जिलों में निवास करते हैं। इनके जो प्रमुख बोली है इसको सदरी, ठीक है, सदरी बोली का जो है इन लोग प्रयोग करते हैं, सदरी भाषा का जो है प्रयोग करते हैं। ये स्वयं को जो है किसान कहते हैं अपने आप को, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपका जो है खरिया जनजाति, खरिया जनजाति जो है रायगढ़ सरगुजा भी इन लोग जो है निवास करते हैं, ठीक है। ये जो है इनकी बोली जो है खड़िया बोली जो है प्रयोग करते हैं। फिर पुष पूर्णिमा करिया जैसे पर्व इन लोग मनाते हैं। इनके प्रमुख देवता को बंदा बोलते हैं, ठीक है जी। और ये आदि जो है आदि कोलेरियन जनजाति के हैं, खरिया जनजाति, डी ऑप्शन, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा जो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य नहीं रहा है? नवा बिहान, हरेली, कारी या हंस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हंस ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य नहीं है, ठीक है। तो हंस इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नवा बिहान, हरेली, कारी ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है। बाकी जो है डी ऑप्शन अभी तक के हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब देख के आंसर इसका आप लोग लगा सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है लोक नाट्य जो है संस्कृति के लिए जो जानी जाती है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है अलग अलग कला संस्कृति आपको जो है देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा जो माह या जो महीना है व्रत की दृष्टि से स्नान पर्व माना जाता है? भादो, पूष, अघन या कार्तिक का महीना? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कार्तिक का जो महीना ये जो है ये महीना जो माह होता है ये व्रत की दृष्टि से स्नान पर्व माना जाता है। कैसे, इसका मतलब क्या होगा? तो आपका जो कार्तिक का जो महीना होता है ये जो है एक तरह का फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कार्तिक का जो महीना होता है त्यौहारों का त्यौहार के रूप में इसको जो है मनाई जाती है। और इसी महीने में जो कार्तिक का महीना होता है जिसमें दशहरा, दीपावली जो प्रमुख जो फेस्टिवल होते हैं इसी महीने में होते हैं, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि जो प्रमुख त्यौहार है हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है, तो ये जो है कार्तिक के महीना में जो है ये आपका होता है। इसलिए इस जो महीना को व्रत की दृष्टि से स्नान पर्व माना जाता है, ठीक है। सुबह सुबह लोग जो इसमें पूजा अर्चना अगर करने के आप स्नान वगैरह नहा के जो है पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में पठौनी विवाह प्रथा क्या है? तो लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है, लड़का लड़की जो है जो है जो है पाटे के ऊपर विवाह करते हैं, लड़की का दूसरे बार विवाह होता है, या लड़की का विवाह पठौनी देव से करते हैं? तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो पठौनी विवाह, ठीक है, तो पठौनी विवाह जो इसमें जो है लड़की जो है बारात लेकर लड़के के जो है घर जाते हैं जिसको पठौनी विवाह बोलते हैं, ठीक है। तो आप छत्तीसगढ़ के जो है जब जनजाति पढ़ाया हूँ उसमें आप जाकर देखिए इसमें सारे विवाह जो है जनजाति के जो है इम्पोर्टेंट इसमें कवर करा दिए हूँ। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग विवाह होते हैं, ठीक है जी। तो पठौनी विवाह जो है जिसमें उल्टा होता है, जैसे लड़का आप देखे होंगे लड़का लड़के के घर जाते, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है लड़की जो है बारात लेकर लड़के के घर जाते, इसी को जो है पठौनी विवाह बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जनजातियों में जो है प्रचलित है, इसमें जो लड़की जो है लड़के के घर बारात लेकर जाती है जिसको जो है पठौनी विवाह बोलते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडवानी गायन विधा के पितामह एवं पद्मश्री से सम्मानित झाड़ू राम देवांगन का निधन कब हुआ है? 10 जुलाई 2002 को, 14 जून 2002 को, 14 जुलाई 2002 को या 24 जून 2002 को? इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 जून 2002 ये डेट याद रखिएगा। तो पंडवानी गायन के विधा के पितामह या इनको जो है क्या बोला जाता है, तो झाड़ू राम देवांगन, ठीक है, पंडवानी के पिता इनको कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो है 2002 में इनका जो है निधन हुआ, इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, ठीक है जी। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह पंडवानी गायिका जो तीजन बाई को पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये जो है झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई, ऋतु वर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर के जो है कलाकार हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुक्तकाश सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मोवा क्षेत्र में, अभनपुर में, राजिम में या कुम्हारी में? तो रायपुर का जो अभनपुर है यहाँ पे जो है मुक्तांकन सांस्कृतिक संग्रहालय जो है स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? रायपुर के अभनपुर में, ठीक है जी। इसको याद रखिए, अभनपुर जो है रायपुर के अंतर्गत जो है
तो ये जो है एक तरह का जो है तहसील है यहाँ का। तो ये जो संग्रहालय यहाँ पे जो है अभनपुर में बनाई जा रही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में श्राद्ध कर्म का जो निमंत्रण किस याई से लिखकर भेजते हैं, नीला, पीला, लाल या हरा, तो कौन से कलर में, जैसे श्राद्ध कर्म वगैरह दस कर्म वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको इन्विटेशन कार्ड या निमंत्रण कार्ड बनाया जाता है, तो बताइएगा जो है कौन से कलर या कौन से सियाई से लिखकर जो है इसमें भेजा जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला पेन। ठीक है, तो ये जो है नीला सियाई में लिखकर जो है श्राद्ध कर्म का जो है इन्विटेशन कार्ड यहाँ पे जो है लोगों को, अपने रिलेटिव को यहाँ पे जो है बांटा जाता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में नाटक का जो आरंभ किस वर्ष माना जाता है, 1907 में, 1905 में, 1908 में या 1901 में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1905 में। ठीक है जी, तो नाटक का जो आरंभ किस वर्ष माना जाता है, तो 1905 में मराठा काल। ठीक है जी, तो ये जो नाटक, जो नाटक गांव वगैरह में आप देखते होंगे, तो नाटक जो पहले से चलती आ रही है, मतलब मराठा काल से जो है उस समय जो है नाटक का जो आयोजन जो है किया जा रहा है, तो ये जो नाटक आरंभ जो है 1905 से मराठा काल में जो है चली आ रही है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका जो है नाचा, नाचा सुने होंगे। ठीक है जी, तो नाचा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है। ठीक है, ग्रामीण अंचल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, मराठा काल में जो है प्रारंभ हुआ था, जिसको नाचा बोलते हैं। ठीक है, तो नाचा तमाशा या मराठे जो है प्रभाव से आपका देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो आपके इसमें जो पुरुष वगैरह जो है, इसमें जो है महिलाओं का वेशभूषा वगैरह बना कर इसमें अभिनय करते हैं। ठीक है, इसमें जोकड़ वगैरह परी वगैरह इसमें जो है निकलते हैं। ठीक है, इसमें जो है मतलब जो है लड़कियों का जो वेश धारण करके इस पर जो नाच गान वगैरह यहाँ पे करते हैं। ठीक, इसी तरह आपको जो है पंथी नृत्य देखे होंगे, पंथी नृत्य। ठीक है, ये जो है खास करके जो है हमारे ग्रामीण अंचल में, ठीक है, सिटी वगैरह में सतनाम पंथ के द्वारा जो है नृत्य को किया जाता है। और नृत्य के दौरान नर्तक कलाबाजी वगैरह यहाँ पे जो है पिरामिड बना के, ठीक है, पिरामिड बना के इसमें जो है करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो प्रमुख कलाकार जो है देवदास बंजारे इसके जो है पंथी नृत्य के जो है कलाकार हैं, स्वर्गीय देवदास बंजारे। ठीक है, अब नहीं है। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र जिसमें आपका मांदर, झांझ वगैरह उपयोग इसमें जो है किया जाता है। इसी तरह देखेंगे राउत नाचा, ये जो है इसको गहरा नाच के नाम से जानते हैं, ये जो है दीपावली के समय इसको जो है किया जाता है घर घर जाकर। ठीक है, तो भगवान के कृष्ण के पूजा के प्रतीक रूप में इसको किया जाता है। कड़वा बाजा, ये राउत जाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, राउत नाचा जो महोत्सव है 1978 में जो है बिलासपुर में हर साल इसका आयोजन किया जाता है बिलासपुर में। ठीक है जी, ये कार्तिक महीना देव उठने के समय इसको जो है किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें वेशभूषा बना के इसमें लोग जो है नाच गान वगैरह यहाँ पे करते हैं, जिसमें हर साल बिलासपुर में जो है ये आपका किया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये हमारा चौथा पार्ट है, तीन पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी सेशन डाले उसको पार्ट वाइज आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।